नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं राजीव रघुनंदन। 14 के चक्रव्यूह में आज के हमारे महारथी हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस में रहकर एक बड़ी और सम्मानित पारी खेली। उन्होंने हजका के गठन में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस वक्त धर्मपाल मलिक हजका बीजेपी गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि दोनों दलों का कोऑर्डिनेशन इस वक्त आखिर बिगड़ा हुआ है और गठबंधन टूट के कगार पर है। किसी भी वक्त गठबंधन टूटने का ऐलान दोनों दलों की तरफ से किया जा सकता है, जिस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों में आई हैं। आज धर्मपाल मलिक से 14 के चक्रव्यूह में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनकी प्रदेश की राजनीति में, हमारी सियासत में बेहद अहमियत है। ऐसे में 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों के कुछ ऐसे तीर होंगे जिनका सामना आज खुद धर्मपाल सिंह मलिक करेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि अपनी शख्सियत के मुताबिक धर्मपाल मलिक साहब सभी सवालों का जवाब साफ गोई और बिना लाग लपेट के देंगे। तो 14 का चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हजका के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक साहब हैं। 14 का चक्रव्यूह में सवालों का चक्रव्यूह, उनके साथ हम शुरू करें। तीखे सवाल जवाब हो, उनकी शख्सियत के बारे में एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि धर्मपाल मलिक का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव उन्होंने प्रदेश की सियासत में देखा है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा जनहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह मलिक प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। 1984 में धर्मपाल मलिक ने कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत से चुनाव लड़ा था और विरोधी उम्मीदवार चौधरी देवीलाल को हराकर राजनीति में जोरदार एंट्री की थी। वहीं उन्होंने 1991 में सोनीपत से कपिल देव शास्त्री को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। उस वक्त चौधरी बीरेन सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तभी प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और धर्मपाल सिंह मलिक को चौधरी भजन लाल की नजदीकी के चलते प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। धर्मपाल मलिक ने लगातार 5 बरस तक ये दायित्व निभाया। 1997 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री भजन लाल से खींचतान कर अध्यक्ष बन गए और फिर 5 साल तक इस पद पर काबिज रहे। बावजूद इसके धर्मपाल मलिक की प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान थी। 2005 में उन्होंने गोहाना से शानदार जीत दर्ज की थी और फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि हजका में शामिल होने के बाद हुए उपचुनाव में धर्मपाल मलिक को हार का सामना करना पड़ा। पिछले 3 साल से धर्मपाल मलिक हजका बीजेपी गठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन टूट के कगार पर है। ऐसे में धर्मपाल मलिक से 14 के चक्रव्यूह में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। उम्मीद यही है कि धर्मपाल मलिक अपनी शख्सियत के मुताबिक सभी सवालों के जवाब बड़ी साफ गोई और बिना लाग लपेट के देंगे। 14 का चक्रव्यूह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।